एक चीतल और हिरण की व्यथा। आप लोग ठीक ही कह रहे हैं कि मैं एक जानवर हूँ और मुझे जंगल में शिकारी जीवों के बीच जीवन की जद्दोजहद करनी है। लेकिन मैं अभी जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ के शिकारी जानवरों के साथ मेरे पूर्वज भी जिए मरे हैं। मैं उनके शिकार के तौर तरीकों से वाकिफ हूँ और कभी कभी मेरे दुर्भाग्य से मैं उनका शिकार भी बनता हूँ। लेकिन प्रकृति ने मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। मुझे भी इस जंगल में अपनी जान बचाने का पूरा अवसर है। लेकिन अचानक से धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला शिकारी जानवर, जिससे कभी मेरे पूर्वज का भी पाला नहीं पड़ा, उसके सामने तुम इंसानों ने मुझे फेंक दिया, जबकि मैंने उसी शिकारी के दांव नहीं देखे और ना ही उससे बचने का कोई उपाय सीखा जो प्रकृति ने मुझे दिया है। पैदा होते समय दिया था, आज मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ। मेरे प्राकृतिक अधिकारों को छीनकर मुझे एहसास करके पृथ्वी के सबसे खतरनाक शिकारी के आगे क्यों रख दिया? मुझसे क्या गलती हुई है? क्या मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं अपने परिवार के साथ हरे भरे जंगल में जब ऊंची ऊंची कुलाचे मारते हुए दौड़ता हूँ तब तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्या तुम मुझे छू नहीं सकते और तुम्हारे प्यार में छूते ही मैं तुम्हारी गोद में नहीं सिमट जाता? आज तुम मेरे जीवन के अधिकारों को छीनकर एक ऐसे शिकारी के लोहे के पिंजरे में सवार होकर, जबकि जरा सोचने मेरे प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, इंसानों जिन्हें तुम छीन रहे हो, याद रखना जो तुम दे रहे हो वो ही लौट कर तुम तक फिर आएगा। मुझ पर दया करो, दया करो।